मौसम हाजरीन आम तौर पर वो असबाब या वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल जाता है, अल्लाह का खौफ निकल जाता है, उन वजूहात में से, उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि जब आप अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो जाए, मसरूफ हो जाए कि दीनी इल्म, दीनी मालूमात, दीनी मसाइल इबादात से मुताल्लिक हों, आपकी तिजारतों से मुताल्लिक हों, शौहर मियां बीवी के हुकूक से मुताल्लिक हों, वालिदैन के हुकूक से मुताल्लिक हों, औलाद के हुकूक से मुताल्लिक हों, गरज ये कि अपनी दुनियावी जिंदगी के ताल्लुक से जितने मसाइल दीन से ताल्लुक रखते हैं उन मसाइल की जानकारी से जब तक बंदा एराज करता रहेगा उसे फिक्र नहीं होगी, वो अपने बाप दादा को जो करते देखे वही कर ले, जिससे जो बात कान में पड़ जाए उसको मान ले, देखा देखी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दीन सीखना, दीन का इल्म हासिल करना, दीनी फिका हासिल करना, अगर उससे एराज करे, उसे उसकी कोई फिक्र ना हो, वो बस चल चलाओ की जिंदगी गुजार ले, तो ऐसे लोगों के दिलों से आम तौर पर अल्लाह का डर निकल जाता है। ऐसे लोगों के दिलों से आम तौर पर अल्लाह का डर निकल जाता है जो दुनियावी जिंदगी में इतने मसरूफ हो कि उनको अपने वुजू का तरीका पता ना हो, नमाज का तरीका पता ना हो, अपने सही तौर पर बुनियादी हुकूक ना जानते हो, जिनको अरकान इस्लाम पता ना हो, अरकान ईमान पता ना हो, ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह का डर बाकी नहीं रह जाता। ऐसे लोगों के दिलों में नाफरमानियां और गुनाह के काम कोई मकाम नहीं रखते, उनके दिलों से डर निकल जाया करता है। समझ हाजरीन, दीन से कभी बंदा एराज ना करे, दीनी तालीम से कभी बंदा एराज ना करे, मालूमात हासिल करे, अल्लाह ने मुझ पर क्या हुकूक रखे हैं, अल्लाह के मुझ पर क्या हुकूक हैं, बंदों के मुझ पर क्या हुकूक हैं, माँ बाप के मुझ पर क्या हुकूक हैं, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरे अंदर क्या अखलाक होने चाहिए, मेरी जबान कैसे होनी चाहिए, मेरी तिजारत कैसे होनी चाहिए, मैं पड़ोसियों से कैसे सलूक करूँ, मेरे बीवी के साथ मुझे कैसा सलूक करना चाहिए, औरतें सोचें कि शोहरों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, औलाद के साथ क्या मामला होना चाहिए। जब तक वो इसकी फिक्र रखे, याद रखे अल्लाह का डर उसके दिल में रहेगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं ये न करूं अल्लाह की पकड़ होगी, अगर मैंने ऊंच नीच की अल्लाह ताला पकड़ेगा, अगर मैंने कोई नाफरमानी की अल्लाह की पकड़ होगी। जिसको इससे कोई सरोकार ना हो, जो जानवरों की जिंदगी गुजारे, चल चलाओं की जिंदगी गुजारे, ये एक बड़ा सबब है जिसकी वजह से हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह की पकड़ का हमें कोई खौफ नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं रहती। तो मोहतरम हाजरीन, अपने हर अमल को, अपने हर कौल को, अपनी हर बात को, अपने हर काम को अल्लाह के सामने जाकर के मुझे इसका जवाब देना है, इसको सामने रख करके करेंगे, यकीन अल्लाह का डर दिल में पलता है, अल्लाह का डर दिल में बैठता है, अल्लाह का डर दिल में बाकी रहता है। और अगर इसकी इंसान को फिक्र ना हो, दीन से बिल्कुल एराज वो करने लगे, अल्लाह के हुकूक से वो गफलत बरतने लगे, बंदों के हुकूक से वो गफलत बरतने लगे, तो याद रखे ऐसे हालात में इंसान बहुत जल्द बेखौफ हो जाता है, अल्लाह का डर उसके दिल से निकल जाता है। और इसी तरीके से वो असबाब जिसकी बुनियाद पर अल्लाह का डर दिलों से निकल जाता है, एक ये भी है कि बंदे को अल्लाह ताला कुछ नेकियों की तौफीक दे दे, कुछ भलाइयों की तौफीक दे दे, कुछ अच्छाइयों की तौफीक दे दे, कुछ नेक काम वो कर ले, सदका खैरात कर ले, या कुछ नमाजों की पाबंदी कर ले, या कुछ रोजे रख ले, या फिर हज पे हज उमरे पे उमरा करने लगे और अपनी नेकियों पर उसे फख्र होने लगे, अपनी नेकियों से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, अपनी नेकियों को बहुत कुछ समझने लगे, जिसके नतीजे में दूसरों को कम तर महसूस करने लगे, दूसरों के गुनाहों को गिनने लगे, दूसरों की गलतियों पर नजर रखने लगे, दूसरों की कोताहियों को देखने लगे, अपनी कोताहियों की उसे कोई फिक्र ना हो, अपने हसनात को, अपनी नेकियों को देख करके उस पर गुरूर से हो जाए, ऐसे लोगों के दिलों से भी अल्लाह का डर निकल जाता है, ऐसे लोगों के दिलों से भी अल्लाह का डर निकल जाता है जो अपनी नेकियों को बहुत कुछ समझते हैं, अपनी अच्छाइयों को बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरों को हकारत की निगाह से देखते हैं। ये तकब्बुर की निशानी है, ये तकब्बुर की निशानी है। तो हाजरीन, तकब्बुर जिस दिल में आ जाए, जहां पर इस किस्म की बात दिल में पैदा हो जाए, तो याद रखें वहां पर अल्लाह ताला अपना डर दिलों से निकाल देते हैं। और मोहतरम हाजरीन, इसी तरीके से एक और वजह जिसकी वजह से दिलों में अल्लाह का डर बाकी नहीं रहता, वो ये है कि अल्लाह ने जो चीजें आप पर फर्ज की हैं उसको आप बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से अदा करते हैं। पांच वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं,
بڑی مشکل سے آپ ادا کرتے ہیں، ادا تو کرتے ہیں لیکن سخیر سمجھتے ہوئے، بہت بھاری سمجھتے ہوئے، بڑی مشکل کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے بغیر، بغیر نشاط کے، بالکل کوئی سستی نہیں ہوتی، ایسے اس انداز سے اگر اللہ کے فرائض کو بندہ ادا کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنا گھر دلوں سے نکال دیتے ہیں، بندے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جس کی وجہ سے عام طور پر بندوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ گناہ ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہمیں یہ گناہ ہلاک نہ کر دے۔ جو آدمی شریعت کی تعلیم کو، شریعت میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ اس کا اگر مطالعہ کرے، اس کو دیکھے، تو کئی ایسی حدیثیں اسے ملیں گی، کئی ایسے احکام اسے ملیں گے کہ بندے نے چھوٹی سی غلطی کی، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دی، اپنی غلطیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں، اپنی کوتاہیوں پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ اللہ کسی بھی اعتبار سے بندے کو پکڑ میں لا سکتا ہے، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی بیماریوں کی طرف سے، کبھی آفتوں کی طرف سے، کبھی بارشوں کی طرف سے، کبھی زلزلوں کے اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے، مختلف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے ذریعے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بندہ بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے منحص پر چلتے ہوئے خوف اور طمع، امید اور ڈر، ان دونوں کو ایک درمیانی انداز میں لے کر چلتے ہوئے اپنی عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔